देखिए, ये मेरा जन्मभूमि है और हमारे पिताजी कबीरपंथी थे और उन्होंने हमारे तीनों भाई को अच्छी शिक्षा दी और उनके पुण्य प्रताप से, हमारे पिताजी हमारी माँ के पुण्य प्रताप से इस गांव में, उस समय जिसमें हम लोग का जन्म हुआ था, उसमें मैंने पुल था, न नदी, कुछ नहीं था, न रोड था, न बिजली था, कुछ नहीं था। और यहीं हम लोग पढ़े लिखे, उसमें में यातायात का कोई साधन नहीं था। हम लोग दो नदी पार करके जगमोहरा पढ़ने जाते थे, वो दरभंगा जिला में पड़ता है, लेकिन हमारे पिताजी का देन है और ईश्वर की भी कृपा है। मैं धार्मिक विचार का हूँ कि इस गांव में से हम तीन भाई पैदा लिए और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हुए, और तीनों भाई में दो भाई का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, प्रिंस राज जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समस्तीपुर से। तो ये मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस मिट्टी में हम लोग पैदा लिए, पले, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, और इस मिट्टी का देन है कि आज देश के सर्वोच्च सदन जो है पार्लियामेंट हाउस, उसके हम लोग सदस्य हैं। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश अपना देश है, और देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने और विश्व के पटल पर अपने देश का नाम हुआ। और आज विदेश का जो पॉलिसी आप देखिएगा, तो आज़ादी के बाद 75 वर्षों में सबसे अच्छा पॉलिसी, विदेश का पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ और विश्व के स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में माने जाते हैं। और देश का विकास हुआ, गरीबों का विकास हुआ। आप देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये प्रधानमंत्री जी की देन है। और 1,40,00,000,000 की आबादी में 81 करोड़ लोग को मुफ्त अनाज मुहैया किया जा रहा है। उसी तरह आपने देखा होगा, जो लोग गरीब थे, पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा संविधान कहता है कि देश का मौलिक अधिकार है, चाहे गरीब हो अमीर हो, हमारा प्रयास होगा कि कोई भी दवाई के अभाव में उसकी मृत्यु नहीं हो। और 5,00,000 रुपया अपने प्रधानमंत्री को से उन्होंने दिया और आज करोड़ों लोग को उससे फ़ायदा मिला। तो ये देश का नारा, पूरे देश में 70 से 75% की आबादी जो है वो प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इसीलिए पूरे देश में 400 पार और बिहार में 40 सीट लोकसभा का है, 40 सीट पर हम लोग विजय हासिल करेंगे।